राजस्थान मिशन 2030 प्रगति की गति अब 10 गुना। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने जब से पद संभाला है उनका यही उद्देश्य रहा है कि आम जन तक मूलभूत सुविधाएं आसानी से पहुंचे और उनके जीवन स्तर में सुधार हो। आम जन की तरक्की के साथ ही प्रदेश की तरक्की संभव है। बढ़ती महंगाई में आम लोगों का जीवन सुगम करने के उद्देश्य से ही महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया गया और सभी जनहितैषी और महंगाई से राहत पहुंचाने वाली स्कीमों का लाभ जरूरतमंद लाभार्थी तक पहुंचाना सुनिश्चित किया गया। और अब मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत अपने इसी उद्देश्य को मिशन का रूप देने जा रहे हैं, राजस्थान मिशन 2030, जिसके तहत प्रदेश की प्रगति की गति 10 गुना बढ़ाई जाएगी, जिससे 2030 तक राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होगा, नंबर एक राज्य बनेगा। मगर ये विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों, सभी विभागीय कर्मचारियों और आम जन की मदद, सलाह और सुझाव के बिना संभव नहीं है। हमें मिलकर राजस्थान मिशन 2030 के लिए रोड मैप तैयार करना होगा। हर अनिवार्य क्षेत्र के लिए मानक या स्टैंडर्ड्स निर्धारित करने होंगे, साथ ही इन मानकों में तय लक्ष्यों को समय पर कैसे पूरा किया जाए इसकी कार्य योजना पर गंभीरता और तेजी से काम करना होगा। राजस्थान मिशन 2030 के लिए राजस्थान सरकार की योजनाएं चरणबद्ध तरीके से इस प्रकार है। नंबर एक, विकसित राजस्थान 2030 नाम से एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, जिसके अंदर सभी विशेषज्ञों, हितधारकों, युवाओं और समाज के सभी वर्गों के लोगों के सुझाव समाहित किए जाएंगे। नंबर दो, डॉक्यूमेंट तैयार करने और लोगों के सुझाव इकट्ठा करने के लिए हम एक वेबसाइट बनाएंगे, जहां अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ, विभिन्न विभागों के सदस्य और आम जन सभी अपने विचार, सुझाव और अपेक्षाएं ऑनलाइन सबमिट कर सकेंगे। नंबर तीन, विभिन्न विभागों के इस मिशन में बड़ी भूमिका होगी। मिशन के तहत विभागीय स्तर पर संबंधित विशेषज्ञों और आम जन के साथ राजस्थान मिशन 2030 के संबंध में गहन परामर्श किया जाएगा। नंबर चार, इस मिशन में आम जन की भागीदारी के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इसके लिए लोगों के घर घर जाकर उनसे सुझाव मांगे जाएंगे। प्रदेशवासी भविष्य में अपनी तरक्की को किस दृष्टि से देखते हैं और वे राजस्थान को वर्ष 2030 में कहां देखना चाहते हैं, इस संबंध में उनकी राय मांगी जाएगी। नंबर पांच, प्रदेश के कुछ हिस्सों में IVR सर्वे भी किए जाएंगे, जहां लोगों से अपेक्षाएं और सुझाव आमंत्रित करने के लिए आम जन से एक टोल फ्री नंबर पर कॉल करने और निशुल्क सर्वे में भाग लेने के लिए निवेदन किया जाएगा। नंबर छह, युवाओं को राजस्थान मिशन 2030 से जोड़ने और भविष्य के राजस्थान के बारे में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान के समस्त स्कूलों और कॉलेजों में राजस्थान मिशन 2030 विषय पर निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। नंबर सात, राजस्थान मिशन 2030 अभियान में आम जन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान मिशन 2030 वीडियो कॉन्टेस्ट संचालित किया जाएगा। आम जन इस कॉन्टेस्ट के माध्यम से राजस्थान मिशन 2030 के लिए अपने सुझाव वाले वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर प्रतिदिन पुरस्कार प्राप्त कर सकेंगे। नंबर आठ, माननीय मुख्यमंत्री विभिन्न हितधारकों और प्रभावशाली समूहों जैसे जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, वकीलों, डॉक्टर्स, गिग वर्कर्स आदि के साथ मुलाकात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। नंबर नौ, सभी विभागों द्वारा विभागीय मिशन 2030 दस्तावेज, डिपार्टमेंटल विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। नंबर दस, पहले विभागीय मिशन 2030 के दस्तावेजों का प्रकाशन किया जाएगा और फिर राज्य का राजस्थान मिशन 2030 दस्तावेज जारी किया जाएगा। इस तरह सभी पहलुओं पर गौर कर सभी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण लोगों और आम जन की सलाह पर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार होगी और फिर क्रियान्वयन का कार्य आरंभ होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसी तरह सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए हम राजस्थान मिशन 2030 में जरूर सफल होंगे। प्रदेश की प्रगति की गति में 10 गुना वृद्धि होगी और राजस्थान का नाम देश के अग्रणी प्रदेशों में शुमार होकर रहेगा। जन सम्मान, जय राजस्थान, जय हिंद।